हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स क्विज कवर करेंगे। इस करंट अफेयर्स क्विज को टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ने के लिए प्लीज जीके टुडे अकेडमी ऐप को इंस्टॉल करें। इसके अलावा आप रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप डायरेक्टली GKToday यूट्यूब के नाम से भी टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं। और इसका प्रोफाइल पिक है वो GKToday का ऑफिशियल लोगो है वो है। नाउ लेट्स स्टार्ट। यूनिसेफ और WHO कमीशन द्वारा जारी की गई ग्लोबल फ्लरिशिंग इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? सो रिसेंटली WHO कमीशन और यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट का टाइटल था ए फ्यूचर फॉर वर्ल्ड चिल्ड्रन। और इस रिपोर्ट के अंदर दो इंडेक्स मेंशन्ड हैं। ये इंडेक्स हैं ग्लोबल फ्लरिशिंग इंडेक्स और दूसरी इंडेक्स है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। सो फ्लरिशिंग इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग है 131 और सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग है 77। सो राइट आंसर है 131। WHO की बात करें सो रिसेंटली WHO ने कोरोना वायरस को ऑफिशियल नेम दिया है, ये है COVID-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज 2019। ये 2019 में चाइना के वुहान से शुरू हुई थी, जबकि इंडिया में कोरोना वायरस का पहला केस केरल में पाया गया था। प्रोजेक्ट तेज किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया था? सो ये तेलंगाना द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य है मेडिकल फील्ड में जो एंटरप्रेनर्स हैं उनको अपने आइडियाज प्रमोट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। और ये प्रोजेक्ट तेज बायो एशिया इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया था। ये इवेंट तेलंगाना में हुई थी। नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 के अनुसार किस भारतीय संस्थान को देश में फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया है? सो CSIR को देश में फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया है। CSIR है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR फर्स्ट पोजीशन पर है, IISc बेंगलोर सेकंड पोजीशन पर है और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है वो थर्ड पोजीशन पर है। CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी और प्रधानमंत्री CSIR के प्रेसिडेंट होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए प्रेजेंटली CSIR के डायरेक्टर जनरल कौन है। CSIR मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा किस वर्ष में दिया गया था? सो ये 1987 में दिया गया था और ये दोनों राज्य 20 फरवरी 1987 को फुल फ्लेज्ड स्टेट बने थे, इसीलिए 20 फरवरी को स्टेटहुड दिवस के तौर पर ये दोनों राज्य मनाते हैं। 1987 से पहले ये दोनों राज्य यूनियन टेरिटरीज थे। एक्चुअली मिजोरम 1972 तक आसाम का पार्ट था और 1972 के बाद में इसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था और उसके बाद 1987 में इसे एक राज्य का दर्जा दिया गया था। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश जो कि पहले नेफा था यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, उसको 1972 में अरुणाचल प्रदेश बना दिया गया था और इसे एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 1987 में इसे एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया गया था। इसके अलावा रिसेंटली 31 अक्टूबर को 2019 में भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर को जो कि एक फुल फ्लेज्ड स्टेट था उसको दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। एक यूनियन टेरिटरी थी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी थी लद्दाख। सो ये पहली बार हुआ था कि किसी राज्य को यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था, मतलब उसको डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। CCPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के कंटेक्स्ट में CCPA का फुल फॉर्म क्या है? सो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी और ये अथॉरिटी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनाई जाएगी ताकि जो ग्राहक हैं उनके राइट्स की रक्षा हो सके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स का एक डोमेन है। इसके प्रेजेंट मिनिस्टर हैं मिस्टर रामविलास पासवान। कमेंट बॉक्स में बताइए उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, यानी वो अगर लोकसभा मेंबर हैं तो वो कहाँ से इलेक्ट हुए हैं और राज्यसभा मेंबर हैं तो उन्हें किस राज्य से इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजा गया है।
2019 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर के लिए किन्हें चुना गया है? सो 2019 के लिए बायोकॉन की फाउंडर और CMD किरण मजूमदार शो को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर के लिए चुना गया है। रिसेंटली उन्हें ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार तीसरे वर्ष ESPN महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? सो ये प्लेयर है PV सिंधु, जबकि मेल कैटेगरी में ये प्राइज जीता है सौरभ चौधरी ने। उनके अलावा नेशनल बैडमिंटन कोच मिस्टर पी गोपीचंद को कोच ऑफ द ईयर के तौर पर चुना गया है। भारतीय रेलवे के किस पोर्टल को सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के लिए नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड में सिल्वर प्राइज दिया गया है? सो भारतीय रेल के रेल मदद पोर्टल को ये प्राइज दिया गया है। रिसेंटली नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस कॉन्फ्रेंस के बाद मुंबई रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया है। रिसेंटली लखनऊ डिक्लेरेशन न्यूज में थी। कमेंट बॉक्स में बताइए ये किस फील्ड से संबंधित है। सो रेल मदद पोर्टल है वो रेल के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसके अलावा ये पैसेंजर्स की शिकायतों का निवारण करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है। रेलवे की बात करें तो रिसेंटली इंडियन रेलवे ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नाम बदलकर इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस रख दिया है। इसके अलावा रिसेंटली मिस्टर VK यादव को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर एक और साल के लिए रीअपॉइंट किया गया है। नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कॉन्क्लेव का आयोजक कौन सा शहर था? सो ये कॉन्क्लेव आसाम के गुवाहाटी में आयोजित हुई थी। और नीति आयोग की बात करें तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी ना तो ये संविधान में मेंशन्ड है और ना ही इसे किसी कानून के तहत बनाया गया है। गुवाहाटी की बात करें तो ये आसाम में है और आसाम में ही खेलो इंडिया गेम्स आयोजित हुए थे और इन खेलो इंडिया गेम्स में महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते थे। रिसेंटली पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू किए गए और इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया। और पहले यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजक है ओडिशा, ये ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में होने हैं। रिसेंटली किस संस्था ने नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन लॉन्च की है? सो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI ने नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन लॉन्च की है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल करना, यानी जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है उन्हें बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उनको इस बारे में जागरूक करना कि उन्हें किस तरीके से ये फैसिलिटी यूज़ करनी है, इसके अलावा उन्हें लोन की सुविधा उपलब्ध करवाना, इस तरीके की सभी सुविधाओं को फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट बनाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांत दास और रिसेंटली मिस्टर माइकल पात्रा हैं वो RBI के डेप्यूटी गवर्नर के तौर पर इलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा RBI ने रिसेंटली एक मनी ऐप लॉन्च किया था। ये ऐप जो विजुअली चैलेंज्ड लोग हैं उनको करेंसी नोट्स पहचानने में मदद करेगा। इसके अलावा RBI न्यूज में था ऑपरेशन ट्विस्ट के कारण। ऑपरेशन ट्विस्ट के लिए RBI ने जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हैं उनको बेच दिया और जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज हैं उनको खरीद लिया। अब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज खरीदने के कारण RBI ने लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में पैसा इन्फ्यूज कर दिया है, यानी मार्केट में नया पैसा डाल दिया है। इससे लॉन्ग टर्म में लोन अवेलेबिलिटी सस्ती होगी ताकि बिजनेसमैन नया लोन लेके नया बिजनेस शुरू कर सकें या फिर बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें और जिससे जो इकोनॉमी है वो ग्रो करे। प्रज्ञान ओझा, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से जुड़े हैं? सो वो क्रिकेट से जुड़े हैं। वो एक वेल नोन लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। CMS यानी कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के दौरान ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई एलिफेंट और बंगाल फ्लोरिकॉन को किस श्रेणी में क्लासिफाई किया गया है? सो इन तीनों को इंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीसीज की कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। CMS की बात करें तो ये है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, यानी वो स्पीसीज जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माइग्रेट होते हैं, ये कन्वेंशन उनके कंजर्वेशन के बारे में बात करती है। इसे बोन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं और रिसेंटली इसका 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है
वो गुजरात में हुआ था और इस कन्वेंशन का मैस्कोट था GIB यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। डिलीवरिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया नामक रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है? सो इसे वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है और रिसेंटली थर्ड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी हुई थी और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी स्वीडन में, स्वीडन के स्टॉकहोम में। और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्ल्ड बैंक ने ये डिलीवरिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया नाम की रिपोर्ट जारी की है। रोड सेफ्टी की बात करें तो प्रेजेंट मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिस्टर नितिन गडकरी। उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर और वो MSME मिनिस्ट्री के भी मिनिस्टर हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट मिस पीके गोल्डबर्ग ने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया है, जबकि IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में किस देश ने फूड प्लेनेट प्राइज की घोषणा की है? सो इसकी घोषणा की है स्वीडन ने और ये $1 million का प्राइज होगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2020 का थीम क्या है? सो इसका थीम था लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स। हर साल 21 फरवरी को ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के तौर पर मनाया जाता है, जबकि इंडिया में ये मातृभाषा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? सो ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। और 2020 के वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस का थीम था क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर इट। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।